जैसे दो मोतीचूर के लड्डू खा लिए। अब नहीं बस, अब तो पानी पिएंगे। और ये जो दुई भेली बच गई है, ई का हम का करी? अरे भाई, हम ही खाएंगे, हम ही खाएंगे। आओ साहब, पानी पियो। है आप खुद ही पियो या हम पिया दे? मगर पिएंगे कैसे? चुल्लू से? क्या वो गिलास नहीं है? गिलास? गिलास तो नहीं है, उत्तर आपके मुस्लिम मियाँ के यहाँ नखलऊ वाले बंगला पर मिली। हमरे तो बस यह दुई हाथ है, यह से खाना खाई, यह से पानी पी, यह से बोझ डारी, और जरूरत पड़े तो यह से दुश्मन के कला दबाए। नाराज ले जा रहे हो? मैं तो पानी की बात कर रहा था, पानी तो अमृत है। हम नाराज ना हैं, मेहमान तो हमारे परमेश्वर है। देखो लाला जी, तुम मुस्लिम मियाँ के एलची आए हो, यही मारे कहे दे थे। पूरा ना मानो, मुस्लिम मियाँ अगर चुनाव के बाद अपने वोटरन के पास जात होती तो आज तुमको यहाँ ई गांव में यहाँ कांच का गिलास भले न मिला, मिला माटी का कुल्ला जरूर मिल जाता। अच्छा लाओ, पानी पीते हैं। एक राज की बात बताएं, आपकी इलेक्शन में मुस्लिम मियां अगर जीत गए तो हर हफ्ते गांव के चक्कर लगाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया बात है लाला। आपकी बात से किस्सा कितना मिलता जुलता है। एक जने का जवान बेटा मर गया, जिनका बेटा मरा था उनके दोस्त कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उनका बेटा मातमपोशी में चला है। जानते हो फिर क्या हुआ? जिनका जवान बेटा मरा था उनके दोस्त के बेटे ने उनसे क्या कहा? कहा कि चाचा रो मत, अच्छा हुआ जो आपका बेटा मर गया। कौन सा उसने शराब वो पीता था, चूहा वो खेलता था, चोरी वो करता था, अफीम वो खाता था, अच्छा हुआ जो वक्त से पहले ही मर गया। अरे कम से कम इनको कर्मों से तो बच गया। खैर, वो बेचारे जहर का घूट पीते बर्दाश्त कर। बाद में जब उनकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई तो उन्होंने उनसे उनके लौटे की शिकायत की। जानते हो उनके दोस्त ने क्या जवाब दिया? यही जो आप अभी कह रहे थे कि फिक्र ना कर, यदि अब की तुम्हारे यहाँ कोई मरा तो मैं खुद आऊंगा। लाला जी, मुस्लिम मियां का गांव का चुनाव भूल जाए। लाला जी वहां वोट पड़ी है, चौनी गांव के काम आई है। अरे अभी तो भाई हम सब समझ गए लाला जी। बेटे शहनाज, आप कुछ कह रहे थे शायद। अब्बू, मैं कुछ कह तो नहीं रही थी, हाँ लेकिन कुछ सोच जरूर रही थी। क्या? क्या ये वाजिब और जरूरी है कि आप इलेक्शंस इसी इलाके से लड़ें? क्यों भाई, क्यों ना लड़ें?
पता नहीं क्यों डैडी, लेकिन मैंने ऐसा फील किया है कि यहां के लोगों की आंखों में आपके लिए डर तो जरूर है, लेकिन मोहब्बत और प्यार, या फिर ये समझ लीजिए जिसको रिस्पेक्ट कहते हैं, वो नहीं है। तुम्हारा ख्याल है बेटी, मैं इस गांव का दामाद हूं और हिंदुस्तानी गांवों में दामाद की बहुत इज्जत होती है। वो जमाने लग गए डैडी, अब इज्जत सिर्फ अपने फायदे के लिए होती है। गांव, शहर या खानदान की कोई कैद नहीं है। अबू, मेरी मानिए, अब भी वक्त है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल लें। नहीं भाई, मुझे इसकी जरूरत तो महसूस नहीं होती है। मगर मुझे ऐसा महसूस होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये मैं नहीं जानती, मगर एक सेंस है जो मुझे बार बार कहता है कि हमें ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बदल लेनी चाहिए। बेटे, इलेक्शन के शुरू शुरू में हमेशा और हर जगह यही महसूस होता है कि हार जाएंगे, लेकिन दरअसल यही डर जीतने के लिए कुव्वत देता है। अबू, आपको किसी दूसरी जगह, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरी सीट जीतने के लिए इतने ढेर सारे पर्सनल दुश्मनों का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। शहनाज बेटी, तुम वाकई अभी बच्ची हो। पहले इलेक्शन में यही भाईजान मीर जामिन अली खान अपनी जमींदारी के पूरे उरूज पर थे। यकीन मानो कि मौसम उनके हुक्म से आते और जाते थे। मेरी सगी खाला के बेटे जामिन अली खान अपना पूरा अलाव लश्कर लेकर हमसे अलग हो गए और गांव के एक जुलाहे से जाकर मिल गए, लेकिन फिर भी मैंने अपना इलेक्शन उनके हाथों से छीन लिया। सिर्फ छीना ही नहीं, मंत्री भी बना और एक मिनिस्टर की बेटी को, यानी तुम्हें, अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाया। तुम देखती जाओ, इंशाल्लाह इस बार भी ये इलेक्शन में जीतूंगा। ठीक है अब्बू, मर्जी आपकी। अरे ये क्या बेटी, अपनी बात तो मुकम्मल करो। अगर आप जानना ही चाहते हैं अब्बू, तो मैं इस इलेक्शन में आपके डायरेक्ट यानी पर्सनल दुश्मनों की लिस्ट बता देती हूं। और उनमें सबसे पहला नाम है मिस्टर सुखीराम एमपी का, दूसरा मिस्टर जामिन अली खान यानी आपकी खाला के बेटे और आपकी मरी हुई बहन के हस्बैंड, तीसरा मिस्टर सामिन अली द ग्रेट सोशल वर्कर, और चौथे वो लोग जिनके काम आप नहीं कर पाए या नहीं कर सके, या यूं कह लीजिए कि जिनसे आप बिजी होने की वजह से इलेक्शंस के बाद भी नहीं मिल सके। मिया, वो लाला जी वापस आए गए। भेजो उनको। बैठो बेटी, लाला जी की बातों में तुम्हें भी लुत्फ आएगा। आइए आइए। तस्लीम लाला साहब। जी हो, खुश रहो। बल्लापुर में वो क्या मिसरा है मीर अनीस का, आय हाय क्या खूब कहा है, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी। तजीर रखिए। शुक्रिया। हाँ जनाब, फरमाए क्या खबर लाए। कुछ नहीं, बस राबी चैन लिखता है, मजे से लोग अपने अपने काम में मस्त, किसी को बसंत के आने की खबर ही नहीं। यानी कि इलेक्शन आने वाला है, वोट डालने हैं जैसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। दो भेलियां गुड़ की मैंने खुद खाई, दो दूसरों को दी, और ये देखिए दो आपके लिए भिजवाई है। दामाद भैया के लिए नोशे जा कीजिए दामाद भैया। लाला साहब, ये आपकी शेरवानी कैसे भीग गई और माथे पर भी पसीना है। वो दरअसल ऐसा बेटी कि बहुत दूर निकल गया था और फिर आदत तो है नहीं, दो भेलियां गुड़ की खानी पड़ी। सो वो पसीने से शेरवानी भीग गई और माथा भी। अरे लाला साहब, वो शेर सुना है आपने, ना हम समझे ना आप आए कहीं से,
पसीना पोछिए अपनी जमी से आप। अरे भाई कुछ खबर तो सुनाए। अल्लाह अरे सन्नाटा, कहीं कोई आवाज ही नहीं। अब हुजूर आप एक आध मीटिंग करें ना तो ये सन्नाटा तो टूटे और दुश्मनों के भी कान खड़े हो। हाँ ठीक तो है, फिर इंतजाम हो जाए। दिनों तारीख तो आप बताएंगे। हाँ लेकिन जरा रुक जाए, मैं पंडित अरुण प्रकाश त्रिवेदी से मशवरा करके बताऊंगा। वो ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञानी। पिछले इलेक्शन में राम मनोहर बाबू के कंप्लेन की तारीफ निकाली थी उन्होंने और साथ में ये भी कह दिया था कि आप इलेक्शन भी जीतेंगे और मंत्री भी बनेंगे। तो साहब अपने राम मनोहर बाबू इलेक्शन भी जीते और मंत्री भी बने, वो भी कैबिनेट रैंक। जरा रुक जाइए, तीनों तारीख मैं ही बताऊंगा। हुजूर हम तो आंखें बिछाए बैठे हैं और आपके ऊपर खून बहाने के लिए खून का एक एक कतरा लो रहे हैं। जय बुनिया, अरे कोई है, जरा जय बुनिया को भेज दो तो। करो दुल्हन को भेज दो। बेहयाओं को शर्म भी नहीं आती है, बैठे यहां निवाले तोड़ रहे हैं। अरे अपने आप समझना चाहिए सब कुछ, हमारा वक्त हो। कुछ नाराज हैं? हमसे का खता नहीं बाबा। अरे नहीं, तू हमरी बहू थोड़ा ही हो, तो हमरी बिटिया हो। बिटिया हम तो वो मेहमानों की हया नाप तोल रहे। अरे भाई 40वां हो गया, आप जाओ, मगर आधा दर्जन लोगों समेत हमरे सिर पर बैठे हैं, जाए का नाम ही नहीं। काई बताए कि जरूरत है? अब जमींदारी खत्म हो गई भैया, अब गल्ला बाजार से आवत है और बकरा अब घर में जिबा नहीं होता है। शेर दुई शेर गोश्त कसाई के यहाँ से मंगाना पड़ता है। आप फिक्र न करें बाबा, अल्लाह का दिया सब कुछ है, वो कहूं से इंतजाम कर लाए हैं। कौन? सामिन? जी बाबा। अरे हमारा बिटवा बहुत समझदार और इंतजामकार हुई गवाह है। बिटिया मेहमान नवाजी में कमी नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ का कबाब और स्टू हम भी अम्मा के जमाने से मशहूर हैं। हम भी अम्मा खुदा बख्शे बहुत मजे का पकात रही, और सामिन की अम्मा ने खुदा बख्शे उसकी साख बनाए रखी। और तुम भी माशाअल्लाह बहुत उम्दा पकाती हो बिटिया, कुछ ऐसा करो कि मियां मुस्लिम और उसके मेहमान लखनऊ तक उंगलियां चाटत जाएं। बाबा उनका बेटवा कबाब की प्लेट पर तो ऐसे टूटत है कि चील कौवे भी शर्मा जाएं। खुश रहो बिटिया, खुश रहो, शाबाश, जी खुश कर दिया है। वाहे अल्लाह कैसा दिल दिया है जो दुश्मन को भी तरने वाले खिलाकर खुश हो रहा है। वाह वाह तेरी रहमत के। मिया बजरंगी आए? आए दिया, और क्या जल्दी में हो?
नहीं। तो तुम जाके मेहमानों का ख्याल रखो। अच्छा भेज दो बजरंगी। सलाम बजरंगिया। कहा कहा बधाई के लौंडे ने? ठीक है रहा, सबके सामने ना बतिया अलग लगेगा। उसके बाद तनी एमपी का रोब साड़ी का कहेस कहे का वह रंग बंदी हम उनके एमपी का नक्शा झुटकी झाले और कहें कि हम दिल्ली के कंधारी बाजार या जमुना बाजार के अरे घरू नथी कोरी ना सुखी बाबू हमार नाव है बजरंगी। कौन बजरंगी? संजीवनी के बदले हिमालय उखाड़े वाले के दास बजरंगी। मदरसा खुर्द में रही थे, खारा पानी पिए थे और खरी बात कही थे और यो समझ लीन जाए हमका हमार जामीन मियाँ भेजे। ठंडा ना फिर कहे ना मियाँ बस भींगर बिल्ली और खीस निपोड़ के बोले नहीं नहीं बजरंगी आप तो हमारे गाँव का इज्जत हो। तुम का कहे तेरे बात का बचा कहे रही जो गांव की इज्जत की बात आई तो इज्जत से बात है मियाँ। और खुशी की बात सानू भैया का सुखीराम एमएलए के लक्षण हो चाहता है। हाँ अपने गांव से अपनी पार्टी से टिकट दिलाना चाहता है। सिर्फ आप कहाँ कहेगा कहे भैया इतनी मेहरबानी क्यों? आप तो मियाँ हद कही दे अरे यह गांव में सुखी राम बताइना हाथ के सामिन मिया और यह दुनिया में सुखी राम सबसे बड़ा दुश्मन की मुस्लिम मिया ये दोनों ने मिलके उनके एमपी का सीट खिसका है। का पता है जीवन में अपने जेल जाए बदला मुस्लिम मिया से ले सके। अरे तैंता वजीरों की तरह बात करे लगा बे। अरे तो कहा मुझे ना है अरे मुझे है आपके तो क्या जवाब दीन जाए? फिलहाल तो खामोशी ही ठीक रहेगा वजीर आजम। हमें सियासत नहीं आती है बजरंगिया मगर हम इतना जानते हैं कि सियासत में हर जवाब का वक्त मुकर्रर होता है वरना हर सवाल लाजवाब हो जाए। सुखी राम का सवाल अब ही लाजवाब है वक्त आने पर देंगे। बदले की आग में तपाकर नहीं जीवन का और गांव का सुधार पहले उसके बाद मन की आग ठंडे करने के तो बात मौके आएंगे। मुसारे का शायर ये बात का यह तरकात ऐ दिले बेकरार रुक मछली अभी फंसी नहीं खुद चलन आमन की हो नारन में दोसर होइन दे। अबे तेरी तो काया ही पलट होगी मेरे वजीर आजम। क्या शायरी शुरू की है? किए जा रियाज किए जा। हम अपने पोते अली हैदर और हद्दन मियां का सेहरा तुझी से लिखवाएंगे और इनाम में मियां मुस्लिम की तरह नीम के पेड़ की छाया भर पट्टा नहीं लिखेंगे बल्कि हमारा पोता खालिस प्यार से तुझे बाबा कह के पुकारेगा। और तेरे गले लिपट जाएगा और तुम उसे प्यार की कीमत नहीं चुकाने देना। उसे समझाना कि प्यार ना तो किसी मंडी में बेचा जाता है और ना कहीं खरीदा जाता है। प्यार तो बस दिल से दिल में नस्ल से नस्लों में रिश्तों से रिश्तों में
कुर्बानियों की धार में खोलकर एक दूसरे के बीच उतारा जा सकता है। बस नहीं। बहुत कठिन है डगरा पन घटकी, बहुत कठिन है डगरा पन घटकी, बहुत कठिन। सदियों वही तमाशा रास्ता रास्ता।